हेलो एवरीवन आप सभी को मैं नमस्कार मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन आपको स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में जो दोस्तों ये नोटिफिकेशन जो है आपके एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर अभी तक आपने नहीं देखा है नोटिफिकेशन को देखें तो सही से वीडियो को लास्ट तक समझें कि क्या इस नोटिफिकेशन में कहा गया है सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं चाहे वो एन के हों ठीक है चाहे वो एस के हों चाहे वो यू कोर्स के हों चाहे पी कोर्स के हों सभी के एग्ज़ाम दस तारीख से स्टार्ट थे ठीक है पहले ये डेट था क्या एक जुलाई एक जुलाई से स्टार्ट थे तो उसको क्या कर दिया गया था पोस्टपोन करके दस जुलाई कर दिया गया था अब दोस्तों ये नया नोटिफिकेशन आया है ठीक है जिसमें यह कहा गया कि 27 जुलाई ठीक है 27 जून को जो नोटिफिकेशन आया था जिसमें कहा गया था कि फाइनल सेमेस्टर ईयर के यूजी और पीजी कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्जाम होगा एन सी एस वाले के साथ में जो भी इन स्टूडेंट है दस जुलाई से होगा ठीक है सत्ताईस तारीख को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका था ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें दस तारीख के एग्ज़ाम के लिए बात कही गई थी अब उसको कैंसिल कर दिया गया है नेक्स्ट डेट तक इसमें यह मैंसन नहीं किया गया, गया इस नो, नोटिफिकेशन के अंदर में कि अगली जो एग्ज़ाम की डेट है क क्या होगी पर इसमें यह ज़रूर कहा गया है कि आपका जो एग्ज़ाम 10 तारीख से होने वाला था वो कैंसिल हो चुका है जैसे आज 8 तारीख है तो दो एक दिन बाद से आपका एग्ज़ाम होने वाला था 9 तारीख के बाद 10 तारीख से आपका एग्ज़ाम होने वाला था पर अभी कैंसिल कर दिया गया इसमें रीज़न बताया गया है ठीक है ड्यू टू दी कोर्स टाइम कोर्स ऑफ टाइम मतलब जो कोर्स ऑफ टाइम है उसके कारण से ये रीज़न दे में दिया गया है ठीक है अब यहाँ पे एक गया जो भी अगला डेट होगा ठीक है वो ऑफिशियल साइट पर प्रोवाइड की जाएगी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की है ठीक है तो इस तरह की चीज़ें चल रही है दोस्तों और आप सभी देख रहे होंगे कि न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आ रही है एग्ज़ाम कैंसिल होगा सेप्टेम्बर में होगा अगस्त में होगा तो अभी कोई कन्फर्म ये नहीं है कि किस समय होगा ठीक है बट ये जो नोटिफिकेशन आया है इसके दो से तीन रीज़न है मैं बता दूँ आपको एक एक रीज़न तो सबसे पहला ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक

ठीक है आगे कुछ समय में डेट भी अनाउंस कर देंगे पहला रीजन यह जाता है कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है दूसरा ये कि जो हमारा एच डी आर मिनिस्ट्री है ठीक है, है रमेश पोखरियाल जिसके मंत्रालय के हेड हैं ठीक है मंत्री हैं रमेश पोखरियाल तो जैसा कि आपको पता हुआ गृह मंत्रालय को भी एक नोटिफिकेशन भेजा गया एग्जाम कैंसिल कर दो ठीक है जिसमें गृह मंत्रालय ने कहा कि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं किसी भी स्टेट्स के सभी का एग्जाम होगा जिसमें महाराष्ट्र सरकार के कई सारे मंत्रियों ने उसके खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ या फिर केंद्र को पत्र भी लिखा ठीक है दिल्ली के भी कई सारे सांसदों ने यूजीसी को पत्र लिखा केंद्र सरकार को पत्र लिखा कि एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए जो कोरोना महामारी चल रही है इसके कारण से ठीक है अब यहाँ पे दूसरा सीन क्या आता है कि जो एच मिनिस्ट्री है, जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं यू आती है उन्होंने कहा कि यार हम क्या करते हैं दस जुलाई से एग्ज़ाम तो ले रहे हैं लेने दो ठीक है दस जुलाई से जो एग्ज़ाम हो रहे हैं चलने दो और अगर कोई बच्चा दस जुलाई वाले एग्ज़ाम में अपेयर नहीं कर पाता तो क्या कर पाएगा सेप्टेम्बर में एग्जाम दे देगा ठीक है दूसरा सीन ये था तीसरा सीन ये था कि दोस्तों की बहुत सारे जो कॉलेज की संस्थाएं हैं ठीक है जैसे जो ए -पी -पी हो गया है और भी कई तरह के जो कॉलेज के अंदर में संस्थाएं वर्क करती हैं ठीक है थीके? जो ग्रुप है संगठन है ठीक है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अपील किया ट्विटर पे ट्रैक ट्रेंड करवाया गया हैश टैग ड्यू कैंसिल एग्जाम इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड करवाई गई ये तीसरा चीज़ है जिसके कारण से डेली यूनिवर्सिटी पर बहुत ज़्यादा दबाव बना ठीक है जिसके कारण से दिल्ली यूनिवर्सिटी उसमें ये सारे जो भी ट्रेंड करवाए गए जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि सारे बच्चों को क्या करो प्रमोट कर दो ठीक है पास कर दो या फिर पूरी तरह से एग्ज़ाम कैंसिल कर दो ठीक है इस तरह से चीज़ें कही जा रही थी एग्ज़ाम कैंसिल करके प्रमोट कर दो ये सारी बातें कही जा रही थी इसके कारण से दबाव बनता है दिल्ली यूनिवर्सिटी पर और उसके बाद ये नया नोटिफिकेशन आता है जिसमें नेक्स्ट डेट तक टाल दिया गया है एग्ज़ाम को जो आपका एग्ज़ाम दस जुलाई से होने वाला था अब वो नहीं होगा ठीक है ये दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक तो पहुंचाओ अपने जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं चाहे वो एस के हों चाहे वो किसी भी कॉलेज के हों चाहे एन के हों और ये जो नोटिफिकेशन है यू ठीक है पोस्ट ग्रेजुएशन और पी ठीक है पो, पोस्ट ग्रेजुएशन और ये अंडर ग्रेजुएशन दोनों के लिए हैगा इंपॉर्टेंट ठीक है यू और पी दोनों कोर्सों के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है चाहे वो बच्चे ईयर के हों सेमेस्टर के हों ट्रम के हों किसी भी तरह से एग्ज़ाम के लिए मैं पेयर कर रहे हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट और नोटिफिकेशन ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है अगर आप एस की साइट पे भी जाओगे तो वहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा सब बड़े बड़े अक्षरों में वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया ऐसे करके आपको दिख जाएगा ठीक है दोस्तों फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग मी थैंक यू फॉर लिसनिंग मी आप कैंसिल मत लीजिए हम सब आपके साथ हैं ठीक है आप ज़्यादा वो मत कीजिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए जब भी होगा आज हो कल हो उसकी तैयारी कीजिए ठीक है ज़्यादा आप मत सोचिए